देखिए क्वेश्चन रूल होता है, जैसे कोई फंक्शन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में है, तो पहले क्या करो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर एज इट इज. ये तो बिल्कुल प्रोडक्ट रूल की तरह लग रहा है, बट बीच में क्या है, माइनस है और डिनोमिनेटर का स्क्वायर है. अब जैसे देखो आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कुछ न्यूमरेटर में है और कुछ डिनोमिनेटर में, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो रूट ए माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर लिखा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और डिफरेंशिएशन किया हमने न्यूमरेटर का, फिर न्यूमरेटर लिखा और डिफरेंशिएशन किया हमने डिनोमिनेटर का, ठीक है. अब आप देखिए, ये तो आपके पास में सिंपल है ही, रूट ए माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, इसका कुछ नहीं करना. यहाँ पे देखें तो ये रूट ए माइनस का रूट एक्स, ये तो कांस्टेंट है, इसमें एक्स है ही नहीं, तो इसका डेरिवेटिव जीरो. और रूट एक्स का क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स. फिर यहाँ पर आपके पास रूट ए है, रूट एक्स है, रूट ए का डिफ्रेंशिएशन जीरो और रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स. मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है. देखो वन अपॉन टू रूट एक्स तो दोनों में से ही कॉमन आ रहा है, तो इसे तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है. और अपॉन में हमारे पास पहले से ही है रूट ए माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, तो बचा कितना हमारे पास, रूट ए माइनस रूट एक्स, और ये माइनस बच गया क्योंकि कॉमन तो ये था, तो माइनस माइनस हो गए प्लस, तो ये बचा रूट ए प्लस रूट एक्स, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आया आपके पास टू रूट ए अपॉन में है टू रूट एक्स और रूट ए माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, टू से टू कैंसिल, आंसर.